और आज है संडे, संडे की सुबह मेरी 4:30 हो गई है। तो सुबह 4:30 मतलब नींद खुल गई थी लेकिन उठे नहीं थे। पति देव की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको मतलब एलर्जी हो जाती है ना, तो जब एलर्जी होती है ना तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, सर्दी जुकाम जैसा हो जाता है। तो उनसे जो है मतलब सर्दी से परेशान थे, तो मेरी जो नींद खुल गई इतने टाइम पर, मुझे नींद नहीं आई। तब से जो है मैं मतलब जाग रही हूँ, तो मैंने कहा चलिए अब उठ जाती हूँ। उठने के बाद फिर मैंने अभी कुछ काम नहीं किया, उनका आज आराम से काम करेंगे। वैसे तो सुबह ही लगना पड़ता है जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने, लेकिन आज नहीं किया। अभी मैं बाहर आई हूँ और बाहर का भी मैंने आप सभी को थोड़ा बहुत तो मौसम दिखाया, एरिया भी दिखाई है अभी कैसा है। अच्छा है, पर अभी जो है बारिश नहीं हो रही तो अभी ठीक ठाक है, थोड़ी बहुत हो चुकी है और देख सकते हैं अभी उधर जो गीला है तो हो चुकी होगी। मुझे तभी पता नहीं है, घर अभी उठी हूँ इसलिए। छुट्टी का दिन है तो भाई हमें भी छुट्टी मिलनी चाहिए, तो मेरे कहा चलिए अभी हम ही जो है आराम से सारा काम करेंगे। काम तो घर में कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं, आप सभी जानते होंगे, हाउसवाइफ का कभी काम ख़त्म होता है नहीं होता है ना। तो मैंने कहा आज हम भी जो है छुट्टी ले लेते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, मतलब सुबह सुबह, बाकी तो काम पर लगना ही है। मैंने कहा चलिए अभी तो थोड़ी छुट्टी मिल जाए। तो अभी मैं उठी हूँ, उठने के बाद फिर थोड़ा बहुत उधर टहला और फिर मैं आ गई घर, और मैंने कहा देख लेती हूँ मौसम भी। और आज है ना कोई भी नहीं है, कंपनी में छुट्टी है बिल्कुल, तो कोई नहीं है, तो मैंने कहा चलिए घूम लेती हूँ सुबह सुबह, तो इसलिए मैं आ गई हूँ इधर। और चलिए चलती हूँ कमरे में, लाइट चलेगी सुबह सुबह, आज बहुत जल्दी लाइट चलेगी। लाइट है नहीं तो काम, लाइट वाले काम है जो अभी अधूरे पड़े हैं, कपड़े धोने वो भी अभी, मैंने कहा चलिए मशीन में धो देती तो अभी लाइट ही चलेगी। तो अब देखते हैं कब आएगी और कब जो है मेरा काम शुरू होगा। चलिए झाड़ू वाड़ू तो निकाल लेती हूँ, जो बिना लाइट का काम है वो तो मैं जो कर लेती हूँ। चलिए चल रही हूँ मैं किचन में। और आप सभी से हम थोड़ी देर में मिलेंगे, झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ उसके बाद में आप सभी से मिलेंगे, देखते हैं कब मिलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो काम में लग गई हूँ वहाँ से आके, और वहाँ से मैं आई, मैंने कहा चलिए अब काम कर लेते हैं, काम करने के जो है लेट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने शुरुआत की है यहाँ से, और साफ़ सफाई थे तो मैंने कहा पहले हम जो है साफ़ सफाई कर लेते, उसके बाद में फिर जो भी काम है वो मैं बाद में करूँगी। वैसे तो सुबह सुबह सफाई नहीं हो पाती थी, मैंने कहा जो है आज सफाई से जो है शुरुआत करती हूँ। सब लोग उठ गए थे तो मैंने जो है सफाई में लग गई, और किचन का मैंने झाड़ू पोछा उधर मतलब पूरा काम करके उसके बाद में इधर आ गई बाहर। तो मैंने कहा बाहर भी धो देती हूँ, बाहर भी रात में पानी गिरा था ना तो बूंद बूंद गिरी ऐसी जगह जगह, तो गंदा लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। मैंने कहा एक दो बाल्टी पानी से इसको जब मैं धो देती हूँ उसके बाद में फिर नहाना धोना करूँगी, तो इसलिए मैंने दो बाल्टी पानी भर के और इधर जो है धो रही हूँ। तो सबसे पहले धो करके और फिर इस कमरे में मैं पोछा लगाऊंगी। अभी पूजा वाले कमरे में मैंने पोछा नहीं लगाया, मैं उधर ही लगा रही थी, इधर सो रहे थे बच्चे तो तब तक मैंने उधर कर लिया। तो इस बीच में भी जब बच्चे उठ गए थे तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा चलिए अब इस कमरे का जो भी मैं काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो सब जो है मैं बाहर धो करके उसके बाद मैंने अंदर भी जो है पोछा लगा दिया, पूजा वाले कमरे का पूरा मैंने साफ़ कर दिया है। तो पति देव अभी सो रहे हैं, उनको मैंने बताया कि एलर्जी हो रही थी, मतलब सो नहीं रहे, उठ गए थे तो छींक आती उनको, तो वो अभी लेटे हुए थे, मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप उठ जाओ, मतलब वो अभी आराम कर रहे थे, उनका चलिए सोने देते, बैठे हैं तो वो तभी तो उनकी ठीक नहीं रहती ना, तो उन्हें मुझे भी थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला अब ऐसी चीज़ है ये एलर्जी वाली कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसलिए फिर एलर्जी की गोली खाते हैं पर वो गोली भी जो है नुकसान करती है इनको ज़्यादातर, तो इसलिए मतलब डेली नहीं खाते, एक दो दिन बाद खाते हैं। तो आज जो है उन्होंने गोली नहीं खाई थी ना, तो इस वजह से रात में परेशान हुए थे।
तो चलिए मेरा काम वाम हो गया था और उसके बाद मैंने कहा चलिए हाथ से धोने वाले कपड़े हैं वो मैं जो हाथ से धो के डाल देती हूँ। सरफ मैंने सरफ में गला के रख दिए थे पोछा लगाने से पहले, तो मैंने कहा जब तक मैं जो काम करेंगे और तब तक जो कपड़े अच्छे से फूल जाएंगे उसके बाद फिर जो इनको हाथ से धो के डालूंगी। वैसे भी लाइट नहीं है और ये कपड़े जो बच्चों के ड्रेस है हस्बैंड के ड्यूटी के ये सब जो मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो मैंने कहा चलिए धो देती हूँ फटाफट से और धो करके और जो डाल देती हूँ। मौसम तो बहुत ख़राब है, मौसम तो मैंने सोचा पहले तो मैं जो है कपड़े धो के डाल देती हूँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सुबह के जो भी काम है कर रही हूँ। सुबह मतलब बारिश नहीं हुई थी तो मैं जो आराम से घूमते रहे, तो मैंने कहा धो ही डालेंगे, फिर जो है मैंने कहा चलिए अब कर लेती हूँ काम, और काम तो जो है करना ही है और मौसम भी ऐसा है कि पता नहीं कब बारिश होने लगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जो है लग गई अपने कामों में। तो सबसे पहले तो जो कपड़े गलाए थे वो मैंने धो के रख लिए और इनको जो है पानी अच्छे पानी से साफ करके उसके बाद में रख लेती हूँ, और फिर जो है फटाफट से नहा करके पूजा वूजा भी करती हूँ, क्योंकि पूजा भी आज लेट हो गए थे पूजा करने में, क्योंकि हम ही जो है आराम से घूमते रहे इस वजह से मैं भी जो है काम करने में लेट हो गई, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे काम जो है मैं कर रही थी। इसी बीच में जो फ़ोन आ गया था तो मैं यहाँ पर बात करने लगे, तो मैंने कहा चलिए अब बात करके उसके बाद में फटाफट से सारे कामों को जो है निपटाती हूँ जल्दी जल्दी से। तो सब लोग उठ गए थे, मैंने कहा नाश्ता वास्ता भी बनाना है इसलिए मैं जो है जल्दी जल्दी कर रही हूँ, खाना पीना बनाना है तो जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। और मतलब थोड़े से कपड़े हैं तो ये मतलब डेली वाले हैं, जो बच्चों की ड्रेस है हस्बैंड की ड्यूटी वाले, ये दो तीन जोड़ मैंने धो के डाले, बाकी की मैंने अभी सब रख दिए। मैंने कहा मौसम भी ठीक नहीं है और उसके बाद में मैंने कहा लेट भी हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने फिर जो है रख दिए थे, मैंने कहा बाद में धोएंगे जब मौसम खुल जाएगा या फिर जो है मैं कल चल धो के डाल दूँगी, तो इसलिए मैंने आधे कपड़े रख दिए और जो ज़रूरी के थे वो मैंने धो के डाल दिए। कपड़े देखिए धुल गए और रख देती हूँ और जल्दी से नहा करके फिर मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया पूजा वूजा करके, उसके बाद में फिर मैंने नाश्ता किया, सब्जी भी नहीं थी आज बिल्कुल भी, और थोड़ी सी शाम की जो है रोटियाँ रखी थी तो मैंने चाय बना ली, चाय बना के और उसी के साथ में जो है सबने थोड़ा थोड़ा अभी नाश्ता कर लिया। और इस टाइम अभी मैं बाहर यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही कि पूछो ना, आज तो बिल्कुल भी जो है मौसम खुला नहीं है। जब से मैंने कपड़े उपड़े धुले तब उसके बाद में फिर बारिश जो है शुरू हो गई, उसके बाद वो फिर जो है बंद ही नहीं, करीबन 5 बजे के बाद बारिश बंद हुई थी और अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हम लोग यहीं पर बैठे नाश्ता वगैरह करके, यहाँ पर बच्चे भी बैठे थे, मैं भी बैठे और मैं ना बाल सुखा रहे थे, उनका सूख जाएंगे। तो ये देखिए मेरे जो है सारे कपड़े मैंने यहाँ पर डाल दिए, उनका इनका थोड़ा थोड़ा पानी तो जो है शाम तक नीचे निकल जाएगा, फिर जो है मैं पंखे में डाल दूँगी तो सुबह तक थोड़ी जो है सूख जाएंगे। बच्चों की ड्रेस है यही सब कपड़े थे, तो मैंने कपड़े उपड़े डाल के उसके बाद मैंने कहा चलिए थोड़ा सा नाश्ता बना लेती हूँ, सब्जी वगैरह थी नहीं आज बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलिए बना लेती हूँ कुछ। तो यहाँ पर मैंने पापड़ थे मेरे आलू के और थोड़ी जो आज जलेबी बनाई थी वो थे, तो मैंने काफ़ी दिन बाद देखी तो मैंने यहाँ पर देखा तो जो आलू के पापड़ में पूरी जो है फफूंदी लग गई, इसमें आलू के पापड़ पूरे ख़राब हो गए और जो जलेबी थी चावल की वो अच्छी है, बाकी तो सब ख़राब हो गया। फिर मैंने इनको निकाल के रख दिया और मैंने कहा जो बचा है वही सेक लेते हैं और दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे बोले मम्मी भूख लगी, तो मैंने कहा चलिए सेक के और दे देते हैं। आज आटा भी ख़त्म हो गया, सब्जी भी ख़त्म हो गई और बारिश ऐसी हो रही कि समझ में नहीं आ रहा है, मतलब शाम को सब्जी वब्जी कैसे लेने के लिए जाएंगे, तो वही सोच रहे थे। और तो मैंने कहा जो है वही बना लेते, तो मैंने कहा ये जो है सेक लेते दे देते बच्चों को और उसके बाद में फिर देखती हूँ शाम तक मौसम खुलेगा फिर जो है हम लोग जाएंगे सब्जी वब्जी लेने, आटा भी लेके आना है वहाँ से, तो इसलिए मैं अभी सेक रही हूँ और सेक लेती हूँ फिर चलती हूँ लेकर के वहीं पर। यहाँ पर लाइट भी नहीं है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर बच्चे बोर हो रहे थे तो वहीं पे लेके बैठे थे, मैंने कहा आज ना तो कोई मतलब बच्चे कोई आए हैं यहाँ पर, मौसम ही नहीं खुला है, जब तक खुला रहा तब तक जो है सब लोग अपने काम में लगे हुए थे, इसलिए ना ये कहीं गए ना वो कहीं आ पाए, तो इसलिए जो है बच्चे भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे, परेशान हो रहे, कह रहे मम्मी क्या करूँ, मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सेक ली और लेकर चलते हैं वहीं पर, अब खाएंगे बैठ के सभी लोग।
तो छुट्टी है कंपनी में, कोई है नहीं, तो इसलिए हम सभी लोग यहीं पर बैठ रहे। दिन भर आज मेरा यहीं पर गुजरा, सबका पूरा दिन हमारा जो है यहीं पर निकला। तो शाम के करीबन 5 बजे बंद हुआ, उसके बाद ही फिर हम लोग जो है सब्जी वब्जी लेके आए, फिर सब्जी बनाई मैंने, खाना बनाया। तो पानी गिर रहा था इस बीच में, फिर बच्चे भी यहाँ पर नहाने लगे, बोले सुबह नहा लिया, उसके बाद में फिर नहाने लगे, कह रहे मम्मी मेरे को नहाना है। तो मैंने कहा नहा लो, तो फिर जो है बच्चे चले गए नहाने के लिए। तो मैं देख रही आके बाहर, थोड़ा हल्का हो गया, मैंने कहा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देखने आए तो बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही बोर हो रहे थे, मैंने कहा नहा लो। तो अब थोड़ी देर के लिए आधे एक घंटा हो गया तो खेल रहे थे, मैंने कहा चलिए बच्चों का मन लगा रहेगा, तो इसलिए वो भी नहाने लग गए और मैं भी अपने काम में नहीं लगी, लेकिन मैं बाहर ही आ गई थी, मैंने कहा देख लेते हैं कहाँ हैं बच्चे। यहाँ पर बाहर खेल रहे, पानी भरा हुआ है। तो आज का दिन जो बहुत बेकार गया, छुट्टी वाला दिन सच में बहुत ही, सब लोग बहुत इंतज़ार करते हैं ना संडे का, संडे के दिन का बहुत ही, कि संडे है छुट्टी मिलेगी, यहाँ जाएंगे घूमने, कहीं वहाँ जाएंगे, ऐसा करते हैं ना, ऐसा करते। तो चलिए दोस्त।